हे गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको जैगर फोर्ट के बारे में कुछ और रहस्यमयी चीज़ें बताएंगे और आपको आज की वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह जहाँ पर अरबों का खजाना छिपा हुआ था और आज वो खजाना यहाँ से निकाल लिया गया है या यहीं पर है, इसके बारे में कोई पुष्टि किसी के पास नहीं है। राजस्थानी भाषा में जो पानी स्टोर करने की जगह होती है उनको टाँका बोला जाता था। और ये जो बड़ा सा चौक है इसके अंदर तीन पानी के टाँके हैं। तो जो सबसे बड़ा वाला पानी का टाँका है वो 40 फुट गहरा है और जिसके अंदर 60 लाख गैलन तक पानी स्टोर किया जा सकता है। और इस किले में जितने भी लोग रहते थे वो सदियों से इस पानी का उपयोग पीने के पानी के रूप में कर रहे हैं और जो भी बरसात का पानी यहाँ इकट्ठा होता है वही पानी इस किले के अंदर पूरा उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, बताया जाता है 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस जो बड़े वाले टाँके को खुलवाया था और इसका पूरा पानी खाली करवा के इसकी खुदाई करवाई थी। और बताया जाता है खुदाई में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था जिसको ट्रकों में भर के दिल्ली भेज दिया गया था, लेकिन इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। परंतु एक कहानी बिल्कुल सही है, वो कहानी ये है कि सवाई जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने इस टाँके की जो दाईं ओर एक और टाँका है जो कि 52 फुट गहरा है उसमें 9 सुरंगें बनी थी और प्रत्येक सुरंग के नीचे एक एक खुफिया कमरा था और उन्हीं कमरों में अरबों का खजाना भरा हुआ था जिसको सवाई जयसिंह द्वितीय ने निकलवाकर जयपुर शहर को बसाया और इस जयपुर शहर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया। दोस्तों, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है कितना झूठ है इस चीज़ की हम पुष्टि नहीं कर सकते। जो हमने किताबों में पढ़ा और जो यहाँ के शिलालेखों में मैंने पढ़ा वही आपको जानकारी दी। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलने वाले हैं किले के एक और महत्वपूर्ण हिस्से में जिसे जलेब चौक बोलते हैं। दोस्तों, जलेब चौक में जो बाईं ओर आप देखेंगे तो एक म्यूज़ियम देखने को मिलेगा जहाँ पर किले से संबंधित चीज़ों का संग्रह किया गया है और आप दाईं ओर देखेंगे तो आपको चित्र गैलरी को देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, जो म्यूज़ियम है जहाँ पर जो इस किले से संबंधित चीज़ों का संग्रह किया गया है उसके लिए अगर आपको फिल्मांकन करना है तो आपको टिकट लेना पड़ता है 200 रुपये का अलग से, जो किले के मेन गेट पर आपको पहले से ही मिल जाता है या आप अंदर जाके भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और अब हम चलते हैं उस संग्रहालय के अंदर जहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। दोस्तों, ये जो पिस्टल देख रहे हैं इसको 1807 पिस्टल बोलते हैं और जो पास का दुश्मन को मारने के लिए इसी पिस्टल का यूज होता था। और दोस्तों, जो ये पिस्टल है काफ़ी अच्छी पिस्टल हुआ करती थी उस ज़माने की। और दोस्तों, ये आप एक गाड़ी देख रहे हैं, इससे बारूद ले जाने के लिए काम में लाई जाती थी। और दोस्तों, ये जो ऊपर एक वाद्य यंत्र देख रहे हैं जो पहला वाला उसमें युद्ध स्टार्टिंग का और सेकंड वाला युद्ध विराम के लिए यूज होता था। काफ़ी सैनिक इस तरह के तीर कमान का भी उपयोग करते थे जिनके तीरों पर पॉइजन लगा रहता था जो काफ़ी घातक होते थे। और जब सेना युद्ध पर जाती थी तो इस तरह की मेटल की ड्रेस पहना करती थी जो कि सैनिकों के लिए काफ़ी अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी। और उस समय भगवान परशुराम को मानने वाले सैनिक इस तरह के फरसे को भी धारण करते थे जो भी बहुत ही घातक हथियार हुआ करता था। और उस समय एक गन बहुत ही ज़्यादा फेमस थी जिसे लेडीज़ गन बोलते हैं और इसको लेडीज़ गन बोलने का मुख्य रीज़न ये है इसमें 25% मेटल और 75% लकड़ी का उपयोग होता है। इस गन का उपयोग दूर से आने वाले दुश्मन के लिए किया जाता था, जो बहुत दूर हुए होता है उसका निशाना इस गन से बहुत अच्छे से लगाया जाता है। और ये एक आधुनिक गन है जो आज भी प्रचलन में है। राजस्थान के बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पर आप ये गन आपको अभी भी देखने को मिल जाएगी। और उस समय की तलवार वगैरह हैं जो काफ़ी प्रचलन में थी और पुराने टाइम में आप सभी को मालूम होगा तलवारें तो बहुत ही उपयोग में लाई जाती थी। और साथ ही साथ अभी हमने आपको जो पहली वीडियो में दिखाया था जयवाण तोप, उसका ये सेकंड गोला है। पहला गोला टेस्टिंग में यूज हो गया था और सेकंड गोला यह म्यूजियम में रखा हुआ है। और दोस्तों, ये वो हथियार हैं या टूल समझिए जिनसे गन को साफ किया जाता था और छोटी मोटी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता था। और ये एक छोटी तोप है जो पहियों पर रखी है। दोस्तों, अब किले के जिस हिस्से में हम लोग जा रहे हैं उसे सुबट निवास बोलते हैं और ये पूरा पैलेस क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे में आपको राजाओं के जो रहने का पूरा स्थान है, जैसे ये दीवाने आम है, यहाँ पर राजाओं की आम मीटिंग हुआ करती थी प्रजा लोग के साथ। और अभी के समय में यहाँ पर उस समय के पुराने लकड़ी के कूलर और टेबल फैन वगैरह रखे गए हैं जिनको हाथ से ही उनके सेवक वगैरह चलाते थे क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। और ये नगाड़े रखे गए हैं जिनको विशेष उत्सवों पर उपयोग में लाया जाता था। दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है किले का बहुत ही खास है क्योंकि इन्हीं हिस्सों में राजा रानी और राजा के जो विशेष लोग थे वो सब रहा करते थे। और दोस्तों, काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा इस किले में आकर। और आप सभी को जो भी जानकारियाँ दी हैं
वो मैंने किताबों में पढ़कर और यहाँ पर अपने जो टूर गाइड हैं उनकी मदद से हमने आपको जानकारी ली। फिर भी आपको अगर कोई चीज़ पर शिकायत है या आपत्ति है हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी से हमारा हमेशा निवेदन रहता है कि हमारी वीडियो में आपको कुछ अच्छा ना लगे तो हमें उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इस हिस्से को बोलते हैं लक्ष्मी विलास। यहाँ पर विशेष मौक़ों पर एक घूमर नृत्य का आयोजन होता था। तब राजा लोग यहाँ पर नीचे की साइड बैठते थे और रानियाँ लोग ऊपर के वो झरोखों में बैठती थी और सामने नृत्य होता था, उसका आनंद उठाया करते थे। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आज के समय में भी लग रहे हैं, और जब उस समय नृत्य हुआ करता होगा तब बहुत ही खूबसूरत यहाँ लगता होगा। और सामने की तरफ एक भूल भुलैया बनी हुई है जिनको बसंत जी और नारद जी नाम के दो कारीगरों ने बनाया था। बसंत जी थे निवाई के थे और नारद जी मोतू के बाँस के थे। उन लोगों ने इस भूल भुलैया का निर्माण किया था और इसी भूल भुलैया से होके एक सुरंग बनी हुई है जो आमेर के किले तक जाती है। और उस समय में बताया जाता है कि राजा लोग इसी सुरंग के रास्ते से आमेर तक जाते थे और इस किले तक आते थे। और ये खुफिया रास्ता हुआ करता था जो पहले काफ़ी दूरी तक खुला हुआ था, लेकिन अब रास्ते जर्जर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से उस सुरंग को बंद कर दिया है जो यहाँ के रखरखाव करने वाले लोग हैं उन्होंने। और ये जो वो जगह है जहाँ पर कठपुतलियों का नृत्य होता था और ऊपर की तरफ राजा और रानियाँ लोग बैठते थे और उस नृत्य का आनंद लेते थे। ये जो झरोखे हैं यहाँ पर रानियाँ लोग बैठा करती थी नीचे या राजा लोग बैठे, इसे बोलते हैं ललित मंदिर। आज के समय में यहाँ पर उस समय जो हाथियों के ऊपर राजगद्दी रखी होती थी, पालकी होती थी, वो रखी गई है। और दोस्तों, अब हम किले के एक बहुत ही खूबसूरत हिस्से में आ गए हैं जो इस किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जहाँ पर एक बाग बना हुआ है जो काफ़ी खूबसूरत है। और इसी बाग में आज के टाइम में जो डेस्टिनेशन वेडिंग होती हैं वो होती हैं, और बहुत सारी मूवीज़ में आपको ये जगह देखने को मिल जाएगी। अभी जो सलमान खान की बजरंगी भाईजान मूवी आई थी उसमें एक गाना है वो यहाँ फिल्माया गया था, और बहुत सारी मूवीज़ में ये जगह देखने को मिल जाएगी। एक लाल बादशाह मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन को जब लास्ट के सीन में जब जो विलन होता है वो लटकाता है तो इस बीच वाले हिस्से में लटकाता है। ये बहुत ही फेमस जगह है, यहाँ पे अक्सर शूटिंग्स वगैरह होती रहती हैं। 20 साल बाद एक मूवी थी उसमें भी इस जगह को दिखाया गया है। और दोस्तों, ये जो सामने जो आप दो छतरियाँ देख रहे हैं इनको सागर छतरी बोलते हैं, और सागर छतरी क्यों बोलते हैं उसको मैं अभी आगे जब छतरी के पास जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि इनको सागर छतरी क्यों बोलते हैं। और दोस्तों, पूरे किले के अंदर सबसे शानदार व्यू आपको जो आसपास जो किले के व्यूज मिलेंगे वो इन्हीं छतरियों के माध्यम से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको वो खूबसूरत नज़ारे जो पहाड़ हैं पूरा हरा भरा एरिया देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पर आपको हवाएं भी इतनी ठंडी महसूस होंगी, पता नहीं क्या सिस्टम लगा हुआ है, कितनी भी गर्मी हो इसमें हवाएँ बहुत ही ठंडी आती हैं। अब जो इस छतरी को सागर छतरी बोलते हैं उसका रीज़न ये है, जो सामने ये झील है इसे सागर बोलते हैं, सागर झील बोलते हैं, इसी वजह से इस छतरी का नाम रख दिया गया है सागर छतरी। और जो ये रास्ते बने हुए हैं पहाड़ों के ऊपरी भाग में, ये यहाँ पर यहाँ से सेनाओं के आने जाने के ये रास्ते थे, और राजा लोग भी इन घोड़ों के माध्यम से इन्हीं रास्तों से अपना आना जाना करते थे। और यहीं पर ये सामने से एक और रास्ता बना है, उस रास्ते से आमेर के किले की तरफ जाया जाता था। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस जगह पर आकर, और दोस्तों आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें आप लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति ज़रूर बताएं। दोस्तों, बात की जाए यदि जयगढ़ फोर्ट की तो ये फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ आकर आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। और कभी भी आप जयपुर आते हैं तो जयगढ़ फोर्ट ज़रूर जाइए, बहुत ही खूबसूरत फोर्ट है और बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर जो ये छतरियाँ हैं, यहाँ से जो आसपास के नज़ारे हैं वो भी अविश्वसनीय नज़ारे होते हैं। और जब बरसात का सीज़न आता है या जब बारिश होती है तो उसके बाद ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं बिल्कुल हरी भरी हो जाती हैं, और बहुत ही शानदार नज़ारे आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे और देख पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो ये किला है काफ़ी जर्जर हो रहा है, और समय समय पर यहाँ पर इन सब किलों का जो रिपेयरिंग का काम है वो भी होता रहता है, परंतु इस समय लगता है काफ़ी दिनों से यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हुआ है और बहुत सारी चीज़ें टूट फूट गई हैं। ये देखकर थोड़ा मन दुखी है, लेकिन फिर भी जो नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत हैं।
और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों मैं ऐसी जानकारी भरी वीडियो और शानदार जगह एक्सप्लोर करवाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, हमेशा आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो सामने आमेर का किला है, आगे आने वाले समय में मैं किसी शनिवार को इस किले को भी एक्सप्लोर कराऊंगा और पूरा किला आपको दिखाऊंगा, कहाँ की कौन सी लोकेशन है और उसका क्या नाम है, सारी जानकारियाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। और ये जो आमेर का किला है ये भी काफ़ी फेमस किला है और काफ़ी बड़ा किला है। जो यहाँ के राजा हुआ करते थे, जो उनका मुख्य पैलेस है, मुख्य फोर्ट है, वो यही है आमेर फोर्ट, क्योंकि राजा लोग वहीं रुका करते थे। और जो ये जयगढ़ का किला है ये ओनली सेना पर्पज़ से था, और कभी कभी जब राजा लोग या रानियां लोग, जब उन लोगों को कुछ आराम करना होता था या कुछ समय बिताना होता था, अच्छा समय बिताना होता था, तो इस किले में आया करते थे बहुत कम टाइम के लिए। लेकिन जो मुख्य पैलेस है जहाँ पर राजा लोग निवास करते थे, वो आमेर का ही पैलेस है और बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। दोस्तों आपने देखा होगा कई मूवीज़ में आपको ये किला देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही शानदार यहाँ के व्यूज़ होते हैं, इसीलिए मूवीज़ में सब किले के बारे में दिखाया जाता है और यहाँ पर फिल्मांकन किया जाता है। दोस्तों मुझे इस किले में आकर बहुत ही मज़ा आया, और आपको कितना अच्छा लगा ये किला हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये किला अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और दोस्तों जब आपके कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि आप हमारी वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं और हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जब आप कमेंट करते हैं तो लगभग मैं सभी कमेंट का जवाब भी देता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा है और वीडियो में आपने कुछ चीज़ों को जानकारी पर प्राप्त की है। और दोस्तों ये जो किले का आखिरी हिस्सा है, इस किले के बाद यहाँ से मैं आपको आमेर फोर्ट के सामने जो झील है उसके नज़ारे दिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ इस किले का टूर यहीं पर एंड हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको कोई नई जगह जयपुर की एक्सप्लोर करवाऊँगा जो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों ये जो जाली वगैरह हैं ये सब उसी ज़माने की बनी हुई है, और कितनी खूबसूरत और सफाई का काम है। आज के टाइम में जब इतनी आधुनिक मशीनें हैं फिर भी इतने शानदार चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, और उस ज़माने में हाथ के कारीगर हुआ करते थे, फिर भी इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई गई हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को देखकर। जैसे अभी ये आप देख पा रहे होंगे सामने ये जाली डैमेज हो गई है, अब इन सब चीज़ों की अगर रिपेयरिंग होती रहेगी तो ये चीज़ें ऐसे ही बरकरार रही नहीं तो आगे आने वाले समय में इन सब चीज़ों का स्वरूप बिगड़ जाएगा और यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी दुख महसूस होगा। दोस्तों ये सामने जो रास्ता है, ये सेना यहाँ से पैदल, हाथी घोड़े वगैरह इधर से भी जा सकते थे, और ये एक दो कमरे हैं, जैसा कि आपने देखा था बाहर के हिस्से में 5 कमरे हैं और अंदर की तरफ 4 कमरे हैं। इन राजा की 9 रानियां थीं तो उसी के हिसाब से ये कमरे बनाए गए हैं, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यूज़ मिल रहे हैं, और सामने ये पूरे अरावली माउंटेन्स होने के कारण बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों अब इस वीडियो में मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ, और बहुत जल्द मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।